सुशांत मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर का रुख करेंगे। सबसे पहले सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि आज सीबीआई जांच की सिफारिश हो जाएगी, बिहार सरकार इसकी सिफारिश करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर सीबीआई जांच की सिफारिश की मांग की है। सुशांत का परिवार पहले ही मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा चुका है। उधर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सीधे मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं, कहा कि 50 दिन में मुंबई पुलिस ने क्या किया है। सुजीत झा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, अब जबकि सुशांत के पिता ने खुद नीतीश कुमार से बात की है, क्या लगता है जल्द सीबीआई जांच की मांग बिहार सरकार कर सकती है और इस पूरे मामले को एक नए सिरे से तफ्तीश की जा सकती है इसकी? बिल्कुल नेहा, आपको मालूम ही होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारे साथ बातचीत में यही बात कही थी कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह अगर कहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए तो मुझे सीबीआई को देने में कोई गुरेज नहीं है। तो अब चूंकि केके सिंह ने, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मुख्यमंत्री से बात करके कहा है कि सीबीआई जांच किया जाए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब सीबीआई जांच में नहीं चली जाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार सरकार को यह अधिकार है कि वो अनुशंसा कर सकती है, क्योंकि केस पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज किया गया है, तो वो पूरी तरह से अधिकारी है कि इस मामले को सीबीआई में सौंप दे। क्योंकि जो यहाँ जांच में जो दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर पर जो आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी जो आए थे उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, और अभी जो चार और अधिकारी हैं जो जांच कर रहे थे पहले से, जो 27 जुलाई से ही मुंबई में हैं, उनको भी क्वारंटाइन करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, उनको जगह जगह ट्रैक किया जा रहा है। वो लोग काफी बच बचा के अपना बचाव करके और अनुसंधान का काम जारी रखे हुए हैं। मुंबई में आज बारिश भी है और कई जगह पर दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अनुसंधान को जारी रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सुजीत झा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरीके से अब नए सिरे से जांच की जा सकती है अगर बिहार सरकार सीबीआई जांच की मांग करती है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने क्या कुछ कहा ये आपको सुना देते हैं। एक उम्मीद थी परिवार को कि जांच होगी, जिस तरीके से जांच हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस बनाम पुलिस बन गई है, आगे रास्ता क्या है? देखिए, जब परिवार ने क्लियर कट बोला कि कुछ इनके जान को खतरा है तो मुंबई पुलिस ने कहा आप राइटिंग में कंप्लेंट दीजिए। जब उसके उसके इंफॉर्मेशन के बाद भी उनकी मौत जब हो गई तब भाई मुंबई पुलिस को दो वो जोड़ नहीं पाए, बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो इन्वेस्टिगेशन ऐसे करेंगे जैसे कि कंप्लेनेंट ही अक्यूज्ड ही कंप्लेनेंट है। तो हमने इसीलिए तंग आकर के पटना में एफआईआर किया, बिकॉज पटना में डेफिनेटली जुरिसडिक्शन था, पिताजी वहीं रहते हैं और वहाँ पे काफ़ी कॉज ऑफ एक्शन भी हुए थे। लेकिन अब जो आ रहा है हमारे सामने मुद्दा कि पटना पुलिस को इन्वेस्टिगेट ही नहीं करने दिया जा रहा है, मतलब एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस तरह से बाधा कोई स्टेट गवर्नमेंट लाए और इन्वेस्टिगेशन को उसको अंजाम पर जाने ना दिया जाए, अफसरों को क्वारंटाइन कर दिया जाए। अब आज तक तो कि कोई सीबीआई अफसर हो या कोई ईडी का अफसर हो या कोई कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी का कोई अफसर हो उसको इन क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि उस तरह के लोगों को क्वारंटाइन करने का मतलब है कि स्ट्रेट अवे अक्यूज का फायदा, तो अक्यूज को फायदा दिलाने का अगर सिर्फ इनका इंटेंशन है तो बहुत ही सीरियस बात है और हमको इसको बड़ी गंभीरता से हमको लेना पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया, पिताजी ने सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है कि उनका पहले भी ऑफर था कि अगर पिताजी बोलेंगे तो हम इसको सीबीआई को भेज देंगे, तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि इसको सीबीआई को जल्द से जल्द दे दिया जाए, जिसमें कि कम से कम ये जो एक इंटरस्टेट का झगड़ा बनाने की कोशिश की जा रही जो कि है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि मुंबई ने तो कोई एफआईआर रजिस्टर ही नहीं किया, इसलिए कोई इंटरस्टेट का कोई मामला इसमें बनता नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से बाधा डाल रहे हैं वो बिहार पटना पुलिस पे इसको इन्वेस्टिगेट करने में, हमने रिक्वेस्ट किया है कि इसको जल्दी से जल्दी सीबीआई को दिया जाए, जिसमें कि सारे सच्चाई बिल्कुल सामने आए और जो भी इसमें गिल्टी हैं उन सबको सजा मिले। हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से खास बातचीत की है, इस बातचीत के अंश आपको सुना देते हैं। सुशांत राजपूत केस में अब बिहार पुलिस ने बीएमसी कमिश्नर को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है, किस तरीके से विनय तिवारी को क्वारंटीन किया गया है। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कल जैसे कि आपने कहा था कि विरोध पत्र लिखा जाएगा, विरोध पत्र लिखा गया। चला गया कल ही, उनको प्राप्त भी हो गया। हम कह रहे हैं कि आपके रूल्स को हमने भी पढ़ा है, आप कहते हैं जो मुंबई में आएगा 14 दिन के लिए उसको
होम आइसोलेशन में रखेंगे, ठीक है, लेकिन आप ही के इस नियम में एग्जम्पशन देने का भी प्रावधान है। वो तो पुलिस ऑफिसर है, ऑन ड्यूटी गया हुआ है। हमारे यहाँ देश भर के पुलिस अफसर आ रहे हैं, सीबीआई आज देश भर में रेड कर रही है, इनकम टैक्स के पदाधिकारी देश भर में रेड छापा डालते हैं, ईडी के पदाधिकारी देश भर में अनुसंधान करने के लिए जाते हैं और रेड छापा डालते हैं। तो क्या जो जहां जाएगा उसको वहीं पर क्वारंटीन कर लिया जाता है क्या? अभी झारखंड से दो बहुत भयानक क्रिमिनल को झारखंड पुलिस के सहयोग से हम लोग पकड़ करके लाए हैं। अगर हमारी टीम गई और वहीं उनको क्वारंटीन कर लेते तब तो उन अभियुक्तों को हम नहीं पकड़ पाते, न ला पाते। हमने कहा ये गलत है आपने जो किया है और आप उनको तुरंत वहां से मुक्त करिए। आप बंदी बना करके रखे हुए हैं, उसको हाउस अरेस्ट करके रखे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है। वो अफसर डिमोरलाइज है, आईपीएस की गरिमा को आपने चोट पहुंचाया है बीएमसी के लोगों ने। जांच प्रभावित हो रही है और हमारा जांच तो प्रभावित ही हो गया। हमारे चार आदमी जो थे वो छुपे हुए हैं, वो डर से निकल नहीं रहे हैं, उनको लगता है कि उनको भी ऐसे ही हाउस अरेस्ट कर दीजिएगा। ये बात है।